हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेटा स्ट्रिंग। और आप सभी लोग जानते हो कि इंटरव्यूज में स्ट्रिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। बट नॉर्मली ऐसा होता क्यों है, स्ट्रिंग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? इसका सिंपल सा रीज़न है। देखो, अगर आप कभी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम करते हो, तो 90% ऑब्जेक्ट्स जो आप क्रिएट करते हो, वो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं स्ट्रिंग के। तो प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाली जो चीज़ है, दैट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। और इसी वजह से स्ट्रिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज़ में। ओके, तो आज हम लोग स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। और आगे के कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स भी करवाने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहां देखो फर्स्ट मेन पॉइंट स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है, स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। स्ट्रिंग जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का साइज फिक्स नहीं होता। याद है मैंने आप लोगों को करवाया था, टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, डेट इज फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 टाइप्स के होते हैं, बुलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, एंट, फ्लोट, लॉन्ग एंड डबल। तो इन सभी का साइज फिक्स होता है। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आ जाते हैं एरेज, स्ट्रिंग्स, क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस। हालांकि स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस जावा का पार्ट नहीं होता, बट होते नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। और याद रखना, स्ट्रिंग का साइज फिक्स नहीं होता। ओके, जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का 8 डाटा टाइप्स का साइज फिक्स होता है, स्ट्रिंग का साइज फिक्स नहीं होता। ओके, तो ये तो था सबसे सिंपल पॉइंट, व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, देन सेकंड पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। दैट मीन्स के अगर मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को मर्ज कर देता हूं, तो वो क्या बन जाता है, एक स्ट्रिंग बन जाता है। ओके, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, दैट इज स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। दैट मीन्स के अगर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ कैरेक्टर का, अगर मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ कैरेक्टर का, दैट इज कैर सी इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डी ई ई पी ए एंड के, तो ये मैंने यहां पर क्या क्रिएट कर दिया है, कैरेक्टर का एक एरे मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, तो ये जो एरे है हम लोग इसको स्ट्रिंग में भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। कैसे? मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं, डेट इज स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग सी। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग सी। तो स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, और साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखना कि सीक्वेंस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जावा ने एक इंटरफेस भी बनाया हुआ है, किसके नेम से, डेट इज कैर सीक्वेंस। तो कैर सीक्वेंस के नेम से एक इंटरफेस जावा ने बनाया हुआ है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो याद रखना, स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पर, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग इज अ क्लास। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, डेट इज स्ट्रिंग इज अ क्लास। स्ट्रिंग इज अ क्लास, दैट मीन्स के स्ट्रिंग नेम की एक ऑलरेडी क्लास बनी हुई है। तो स्ट्रिंग इज अ क्लास, और इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर डिफाइन होते हैं। ओके,
तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज अ क्लास, ओके। बट स्ट्रिंग का प्रॉपर सिंटेक्स ये चीज नहीं होता है। स्ट्रिंग का प्रॉपर सिंटेक्स अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, तो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में ये चीज पूछा जाता है, व्हाई स्ट्रिंग क्लास इज फाइनल, हम लोगों ने स्ट्रिंग क्लास को फाइनल क्यों बनाया है, ओके। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर एक्सप्लेन भी करूंगा, ओके। देन एक पॉइंट का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, तो स्ट्रिंग की भी पेरेंट क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट। दैट मींस के स्ट्रिंग क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। तो पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड्स करती है, ओके। और अभी मैंने एक पार्ट और बताया था, डेट स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करवाने के लिए एक इंटरफेस बनाया हुआ है, डेट इज कैर सीक्वेंस। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, स्ट्रिंग जो है वो इंप्लीमेंट करता है, डेट इज इंप्लीमेंट्स कैर सीक्वेंस, कैर सीक्वेंस इंटरफेस को स्ट्रिंग क्लास इंप्लीमेंट करता है, ओके। और कैर सीक्वेंस के साथ साथ वो दो इंटरफेसेस को और इंप्लीमेंट करवाता है, कौन कौन से, सीरियलाइजेबल एंड कंपेरेबल। तो स्ट्रिंग जो है वो तीन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करवाता है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज कैर सीक्वेंस, सेकेंड वन इज सीरियलाइजेबल एंड थर्ड वन इज कंपेरेबल, ओके। तो ये प्रॉपर स्ट्रिंग क्लास का सिंटेक्स है, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, और स्ट्रिंग का भी पेरेंट क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट। इंप्लीमेंट्स कैर सीक्वेंस, क्यों, क्योंकि कैर सीक्वेंस जो है वो एक इंटरफेस है जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए बनाया गया है, ओके। एंड सीरियलाइजेबल एंड कंपेरेबल इंटरफेस को भी स्ट्रिंग क्लास इंप्लीमेंट करवाता है, ओके। तो ये स्ट्रिंग क्लास का सिंटेक्स है, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स भी आ जाते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज अ क्लास, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब आप लोगों को एक पॉइंट का और ध्यान रखना है। देखो, अगर यहां पर स्ट्रिंग क्लास है, अगर स्ट्रिंग ऑलरेडी एक क्लास है, तो मैं स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूं, जो क्लास है मैं उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, डेट इज स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, मैं लिख सकता हूं, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, क्लियर है पॉइंट, एस नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और ऐसे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ओके। तो अब इसके अंदर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट के अंदर बोल सकते हैं, डेट इज स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इम्यूटेबिलिटी का ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ये टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पॉइंट लिख लेना, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ओके, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। देन यहां पर एक पॉइंट आता है, अभी तक आप लोगों ने प्रोग्राम्स तो बिल्डअप किए हुए हैं जावा के अंदर, तो नॉर्मली हम लोग जो स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं ना, वो इस टाइप से करते हैं, डेट इज स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल दीपक, नॉर्मली तो हम लोग ये वाला पार्ट लिखते हैं, ओके। तो ये भी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करता है, या ध्यान रखना, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू दीपक, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और ऑब्जेक्ट ये भी क्रिएट कर रहा है, डेट इज स्ट्रिंग
s इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, जबकि हम लोग सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं, ये बहुत कम यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग ये कम क्यों यूज करते हैं, ये ज्यादा क्यों यूज करते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेट इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, SCP, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये चार पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को मेन मेन पॉइंट्स बता दिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डेट इज स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए कितने वेज है, डेट इज स्ट्रिंग जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना, क्या उसके लिए एक स्ट्रिंग क्लास ही है या और भी कुछ है, तो ये पॉइंट अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। देर आर टोटल 3 मेन क्लासेस टू क्रिएट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास 3 मेन क्लासेस है, कौन कौन सी, स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। तो ये 3 क्लासेस है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब 5th पॉइंट पर ध्यान रखना, डेट इज टू क्रिएट स्ट्रिंग्स देयर आर 3 क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डेट इज स्ट्रिंग क्लास, देन सेकेंड क्लास जो है डेट इज स्ट्रिंग बफर क्लास, एंड थर्ड क्लास जो है डेट इज स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। तो 3 मेन क्लासेस हैं, डेट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। तो मैं इन तीनों के थ्रू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, स्ट्रिंग्स क्रिएट करवा सकता हूं बाय यूजिंग दीज 3 क्लासेस। ओके, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो 4 वेज हो गए अब स्ट्रिंग क्रिएट करने के, कौन कौन सा, फर्स्ट वे तो हो गया ये वाला, डेट इज स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। सेकेंड वे हो जाएगा स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू दीपक, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। देन थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग बफर, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिंग बफर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। हम लोग इस टाइप से भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट वे होता है डेट इज स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। तो टोटल 4 वेज होते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को स्ट्रिंग के अंदर ध्यान रखने। ओके, तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर ये चीज डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल क्या होता है, और स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ये जो चीजें हैं ये किस टाइप से मेमोरी एलोकेट करते हैं। नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स हीप मेमोरी के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, बट स्ट्रिंग के केस में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, स्ट्रिंग के लिए एक और मेमोरी एलोकेट की जाती है, डेट इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल क्या होता है, कैसे काम करता है, स्ट्रिंग उसके अंदर मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, यह चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ये। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये 5 स्ट्रिंग के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। डेट इज स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोल दिया, डेट मीन्स के मैं कैरेक्टर्स का एक एरे क्रिएट कर सकता हूं और उसको फिर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख सकता हूं। ओके, तो स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिंग इज द क्लास। अब जैसे ही क्लास का कॉन्सेप्ट आया ना, तो यहां पर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहां पर स्ट्रिंग क्लास है, तो हमने क्लास को फाइनल क्यों बनाया, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, तो इंटरव्यू में मेथड्स भी पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो 3rd पॉइंट के अंदर ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज अ क्लास, और क्लास का ये सिंटैक्स होता है, और इसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें होती क्यों, स्ट्रिंग क्लास फाइनल होता क्यों है। ओके, देन 4th पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, डेट मीन्स कि अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। नॉर्मली अगर हम लोग किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं तो सिंपल ऑब्जेक्ट होता है, बट अगर मैं स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। ओके,
तो स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है. ओके, एंड देन लास्ट पॉइंट, टू क्रिएट स्ट्रिंग्स देयर आर थ्री क्लासेस, तीन क्लासेस होते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, डेटा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर. स्ट्रिंग क्लास हम लोग अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर मैं कुछ ट्यूटोरियल्स के बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. ओके, और फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और एक और क्वेश्चन होता है डेट इज व्हाट इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये सारे इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग डीपली क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. ओके, सो आई होप अब आप लोगों को स्ट्रिंग से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे, 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे. ओके, आप लोगों को अगर इन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और वैसे मैं ये पॉइंट्स आप लोगों को आगे के ट्यूटोरियल्स में डीपली एक्सप्लेन करने भी वाला हूं. अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को स्ट्रिंग से रिलेटेड जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ट्यूटोरियल्स के अंदर, बट अगर आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, या फिर आप लोगों से कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया उस स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जरूर पूछें, मैं उनका नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर आंसर प्रोवाइड करूंगा. ओके, सो आई होप आज आप लोगों को स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू.